ओके मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर तक ही बताया था इसके अंदर कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में आपको लास्ट लेक्चर बता रहा था, वही से कंटिन्यू कर रहा हूं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन मैंने लिगेंड को डिफाइन किया है, डिवाइड किया है मोनोडेंटेट में, बाइडेंटेट में, या इसको मैंने कह दिया ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ऐसा ही हो सकता है, एक टेट्राडेंटेट ऐसे ही हो सकता है, पेंटाडेंटेट और ऐसे ही हो सकता है एक हेक्साडेंटेट। मेनली मोनो से लेकर के हेक्साडेंटेट तक के लिगेंड्स हमारे पास हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हमारे लिए ये है कि मुझे मालूम होना चाहिए कि कौन कौन मोनो वाले हैं और कौन कौन बाई वाले हैं। मुझे सबके नाम, सबके सिंबल याद होने चाहिए। तो चलिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं और समझते हैं कौन मोनो में क्यों आता है। तो बताता हूं मैं आपको मोनोडेंटेट के बारे में, बहुत कंफ्यूजन है किताबों के अंदर, बात समझिएगा। मोनोडेंटेट वो होते हैं जिनके अंदर एक लोन पेयर देने की टेंडेंसी होती है, एक लोन पेयर, उसको हम कहते हैं मोनो। कौन कौन से लोग हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मोनोडेंटेट है। या इसके अलावा NO2 माइनस, ONO माइनस, Cl माइनस या NC माइनस, ये भी मोनोडेंटेट है। या SCN, NCS, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है। कुछ न्यूट्रल केसेस भी हमारे पास है, वाटर, NO, CO, अमोनिया। अमोनिया से अगर एक एच हटा दिया जाए तो बचेगा NH2 माइनस, एक एच और हटा दिया जाए तो बचेगा NH माइनस, एक एच और हटा दिया जाए ये NH2 माइनस हो जाएगा और ये बचेगा N माइनस। ये सब मोनो में आ रहे हैं। या मैं आपसे कहूं इसको देखिए, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिडीन, इसको भी मोनो में रखा गया है, इट इज पी वाई। या मैं आपसे बात करूं फिनाइल फास्टीन, इसको भी मोनो में रखा गया है। या मैं आपसे बात करूं ट्राई फिनाइल फास्टीन, एक फिनाइल, दो फिनाइल, तीन फिनाइल, ये भी मोनो में रखा गया है। तो ये सारे केसेस हमारे पास मोनोडेंटेट के हैं और भी हम लोग प्रैक्टिस में देखेंगे। अब मुद्दा ये उठता है, क्या हम याद करेंगे कि कौन कौन मोनोडेंटेट है और कौन कौन बाइडेंटेट है? नहीं, कोई ट्रिक होगी और उस ट्रिक से हम ये समझ जाएंगे कि कौन मोनो है कौन बाई है। आइए ट्रिक बताता हूं। मोनोडेंटेट बिल्कुल सही आपने समझा है कि वो होते हैं जो एक लोन पेयर देते हैं, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन यहां नहीं होगा। आपको लग रहा होगा एक माइनस है तो एक लोन पेयर देगा, यहां भी एक माइनस है तो एक लोन पेयर देगा, यहां भी एक देगा। अब कंफ्यूजन आपको यहां शुरू होगा, साहब वाटर में तो दो लोन पेयर होते हैं तो फिर ये मोनो क्यों है, ये बाई क्यों नहीं है? या कंफ्यूजन यहां पर होगा, यहां तो माइनस टू चार्ज है तो फिर ये मोनो में क्यों है, बाई में क्यों नहीं है? या यहां पर माइनस थ्री चार्ज है तो ये मोनो में क्यों नहीं, मोनो में क्यों है, ट्राई में क्यों नहीं है? आप कंफ्यूजन हो गए, लोग रट्टा मारते हैं, आप समझिएगा। मोनो का मतलब होता है एक्चुअल में डोनेशन बाय ओनली वन एटम एंड वन लोन पेयर। यहां पर डोनेशन का मतलब होता है जो डोनेशन का प्रोसेस हो रहा है वो कोई एक ही एटम करे तो उसे हम मोनोडेंटेट कहते हैं। अब बात देखिए, एफ के पास इवन दो लोन पेयर तो बहुत सारे हैं, देखिए एफ के पास अपने साथ इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब है यहां पर यह स्थिति आ रही होगी। यहां पर ये सारे इलेक्ट्रॉन दान नहीं होंगे, दान तो कोई एक ही होगा। तो अगर कहीं पर माइनस और लोन पेयर एक साथ है तो आप डोनेशन पहले माइनस से दिखाएंगे, बाद में अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो लोन पेयर। वैसे आप ध्यान रखिए 99.9% केसेस में अगर माइनस और लोन पेयर दोनों हैं तो दान माइनस वाला करेगा, लोन पेयर वाला नहीं करेगा, लेकिन एक आध केस में दोनों करते हैं
तो अगर हम उनको हटा दें तो आप ये रूल दिमाग में बना सकते हैं कि अगर माइनस और लोन पेयर दोनों है तो दान खाली एक ही करेगा और वो माइनस वाला करेगा। तो यहां दान ये कर रहा है और एटम कितनी बार है, एक बार है। डोनेशन बाय ओनली वन एटम, एक ही एटम है तो मोनो में आएगा। यही लॉजिक क्लोरीन पे भी लग जाएगा, यही लॉजिक ब्रोमीन, यही लॉजिक आयोडीन, ये सारे केस एक ही साथ हो गए, ये सारे केस एक ही साथ हो गए। अब जरा NO2 पे गौर करेंगे। एक्चुअल में NO2 का डायग्राम जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, इट इज योर NO2, और N के पास आउटर मोस्ट शेल में कुछ ऐसा डायग्राम है, इट इज NO2। NO2 चूंकि माइनस बोला है मैंने, तो NO2 माइनस का मतलब है N के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पांच, एक दो तीन चार और पांच। लेकिन आपने बोला NO2 माइनस तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से ही यहां पर क्या आ गया है, माइनस। अब इसमें एटम तीन है, ए एन और दो ओ, और आपको मालूम है ओ पर लोन पेयर भी होता है, देखिए ओ पर लोन पेयर भी है। लेकिन मैंने उसे पहले ही कह दिया है कि अगर लोन पेयर और माइनस एक साथ है तो डोनेशन माइनस करेगा, इसका मतलब है इस बार डोनेशन यहां से हो रहा होगा, और तीन एटम में से केवल एक एटम ही दान कर रहा है, इसलिए मैं इसे मोनोडेंटेट कह रहा हूं। मोनो का मतलब है दान एक ही लोन पेयर का हो और एक ही एटम करे, दान एक ही लोन पेयर का हो और एटम भी एक ही दान करे। ये मत देखिएगा कि इसमें तीन एटम है, दान तो खाली एक ही कर रहा है ना, इसलिए मोनो में आता है। जरा ओ एनओ को देखिए, अगर मैं आपको ओ एनओ दिखाऊं तो ओ एनओ की फिगर कुछ ऐसे बनती है, इट इज ओ एनओ। यहां पर भी इसके पास लोन पेयर होगा, एन के पास भी एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन अपना, ये ऐसे और ऐसे, एक दो तीन चार पांच छह, लेकिन आप माइनस बोल रहे हो तो एक और आएगा, तभी तो माइनस बोलोगे। अब यहां पर माइनस भी है लोन पेयर भी, लेकिन दान कौन करेगा, दान माइनस करेगा। अब दान एक ही लोन पेयर का होगा और एक ही एटम करेगा, इसलिए मोनो है। उसी तरह आप सीएन की बात करेंगे तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन में कार्बन के पास अपने चार इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन, ये आया चौथा, लेकिन आपको माइनस दिखाना तो एक इलेक्ट्रॉन और मान लीजिए और ये देखिए माइनस, इट इज सीएन माइनस। एन के पास अपने पांच इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार पांच, एटम दो है लेकिन दान कौन करेगा, दान सी करेगा। अगर मैं इसी तरह आपको एनसी दिखाऊं तो एनसी की फिगर कुछ ऐसे आती है, कार्बन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन चार, यहां से ले लिए दो और, कितने हो गए छह, इसने अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स को दे दिया, इसके पास कितने हो गए आठ, सी पूरा हो गया। एन पे आओ, एन के पास अपने कितने, एक दो तीन चार, और ये आया इनका एक और पांच, और दो इधर से लिए हैं, अच्छा एक दो तीन चार पांच, लेकिन आप इसे कह रहे हो सीएन माइनस है तो एक और लगाना पड़ेगा तभी इसके ऊपर माइनस आएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है तब माइनस आता है। इनके पास आउटर में पांच होते हैं और मैं छह दिखा रहा हूं, इसलिए माइनस आया है। और इसके पास भी देख लो ऑक्टेट पूरी हो गई है और इसकी भी ऑक्टेट पूरी हो गई है, इस बार तो दान हो रहा है वो एन से हो रहा है, इवन तो लोन पे यहां पर भी है लेकिन दान वो करेगा जिसके पास माइनस है। दो एटम है लेकिन दान एन कर रहा है, इसलिए मोनोडेंटेट एन का है और ये मोनोडेंटेट सी का है। एससीएमओ देखो, एससीएम की फिगर ऐसे बनती है, इट इज सीएम, सी की वैलेंसी होती है दो, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इसके आउटर में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो तीन चार पांच और ये देखिए छह आ गए, लेकिन इसके छह अपने और एक इससे लोगे तो ऑक्टेट कितनी हुई, ऑक्टेट पूरी नहीं हुई, शादी तो हुए, इसलिए आप एक और लगाकर माइनस लगा दीजिए। इस समय दान कौन कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, इसके पास लोन पेयर है लेकिन ये दान नहीं करेगा। अगर माइनस है और लोन पेयर है दान माइनस करेगा, ये 99.9% केसेस में होगा, इट इज द केस ऑफ एससीएल। एससीएल से क्या होगा, दिस इज डायग्राम ऑफ NCS, देखिए इट इज अ डायग्राम ऑफ NCS। सल्फर की वैलेंसी दो भी होती है, चार भी होती है, छह भी होती है, यहां पर मैं वैलेंसी सल्फर की दो दिखा रहा हूं, नंबर ऑफ वैलेंसी बराबर नंबर ऑफ डे। कार्बन की वैलेंसी चार, N की वैलेंसी तीन होती है, दो सेटिस्फाई है तो एक वैलेंसी कहां सेटिस्फाई हो जाएगी, N से। इस समय दान कौन कर रहा है, N कर रहा है। वाटर, अब वाटर पे गौर करिए, वाटर का डायग्राम आपने ऐसे बनाया है, वाटर में दो लोन पेयर है लेकिन दान केवल एक ही लोन पेयर करेगा, ऐसे तो यहां पर भी तीन लोन पेयर थे, यहां भी तीन लोन पेयर थे, जितने लोन पेयर सब दान नहीं किए जाते हैं, एक ही करता है,
एक ही करेगा और एक ही एटम कर रहा है इसलिए मोनो है। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, एनएच में आइए अमोनिया, दिस इज द डायग्राम ऑफ अमोनिया, एक ही एटम एक लोन पेयर का दान करेगा, इट इज मोनो, एक एच हटा दो तो अब ये फिगर आपको कुछ यूं दिखाई देगी, एक लोन पेयर था और जब एच प्लस की फॉर्म में हट जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी भी मान लो दैट हैव अ नेगेटिव चार्ज, ये इसका अपना था, इसके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इनके देख लीजिएगा एन के पास कितने होते हैं सात, 2.5 आउटर में पांच होने चाहिए, यहां देखिए छह दिख रहे होंगे, एक दो तीन चार पांच छह, एक ज्यादा होगा इसलिए माइनस। अब इसे इन पे लोन पेयर भी है और माइनस भी है, फिर भी दान कौन करेगा, माइनस करेगा और एक ही एटम करेगा इसलिए मोनो है। एक एच और हटा दो तो अब फिगर आपको खाली यू दिखाई देगी, एक लोन पेयर पहले था, एक माइनस और आ चुका था, अब एक माइनस और आ गया, दैट इज एन एच माइनस टू, दैट इज एन एच माइनस टू, यहां पर भी एक माइनस का ही दान किया जाएगा, एक ही एटम दान करेगा और एक ही लोन पेयर का करेगा तो उसे हम मोनो कहते हैं। एन माइनस थ्री का मतलब है ये एच भी हटा लो, अब इनके ऊपर एक लोन पेयर, एक माइनस दो माइनस तीन माइनस और दान एक का ही, तो मैंने सिखा दिया आपको कि मोनो को देखते कैसे हैं। इनके नाम भी बता देता हूं तुरंत ही, इनके नाम देख लीजिए, आपको मालूम है कि इनके जो नाम है थोड़े बहुत आपको मालूम है, इसका नाम आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, इसको हम आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, इसको हम फ्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइड, इसको हम बोलेंगे क्लोराइड, वैसे ही ये ब्रोमाइड और ये आयोडाइड है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रो और इसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो, इसको हम बोलते हैं साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड। एस को केमिस्ट्री में थायो बोला जाता है, थायो, एस का मतलब है थायो, आपने आयो बेसिक पढ़ा हुआ, थायो एल्कोहल, सिंपल एल्कोहल ROH, थायो एल्कोहल RSH, एस का मतलब थायो, थायो है किसका है साइनाइड का है, CN साइनाइड का, तो इसका नाम हो जाएगा थायो साइनाइड, नॉट साइनाइड, यहां पे साइनाइड बोलते हैं, यहां पर हम इसको साइनेट बोलते हैं, थायो साइनेट, जैसे यहां पर CN साइनाइड है और पलट देने पर आइसो लगा देते हो, तो यहां पर देखो यहां पर भी CN को पलट दिया, ये CN था और ये NC लिख दिया, पलट दिया, थायो तो है तो नाम पड़ जाएगा थियो आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, आइसो का मतलब है पलट दिया है। इस चैप्टर में वाटर को हम वाटर नहीं बोलते, एक्वा बोलते हैं, स्पेलिंग ए क्यू यू ए, ए है एक्वा, एक्वा गार्ड होता है ना घर में, एनो, एनो का नाम यहां पर नाइट्रोसिल है, सीओ को यहां पर हम कार्बोनिल कहते हैं, अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया को इस चैप्टर में एमाइन कहा जाता है, एमाइन, क्या स्पेलिंग लिखते थे आप फर्स्ट ईयर में मेथिलमीन की, एमीन की स्पेलिंग लिखते थे आप AMINE, एमाइन, लेकिन यहां पर इस चैप्टर में इसकी स्पेलिंग है AMMINE, गौर करिएगा डबल एम एमाइन, इसका नाम बता चुका हूं मैं पिरिडीन, इट इज पिरिडीन, तो इसके अलावा आपको मालूम है आप बुक में देख लीजिए, वो खास बात यहां पर नहीं है, इसका नाम एमाइड है, इसका नाम एमाइड है, इसका नाम इमीड है, इसका नाम एजाइड है, ये फास्फीन है, इट इज फास्फीन, और ये है ट्राई फिनाइल फास्फीन, तो ये बताया मैंने आपको मोनो के बारे में। अब देखिए बाई में कौन कौन आते हैं, जरा बाई देखिए, बाई में आने वाले जो मेरे लोग हैं वो कौन कौन हैं, बाई डेंटेट का मतलब होगा, समझिएगा बाई डेंटेट, इसका मतलब होगा इस समय दो दान किए जा रहे होंगे, और खास बात बाई टू एटम्स किए जा रहे होंगे, ये बड़ी खास बात है, ये बहुत कम जगह मेंशन किया गया है और इसको लेकर बड़ा बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, आप लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं। ये देखिए बाई डेंटेट में मेरा केस आता है COO
माइनस सीओओ माइनस, एक्चुअल में ये ऑक्सिलेट कहलाता है, ऑक्सिलेट, ये ऑक्सिलिक एसिड से आया है, ऑक्सिलिक एसिड होता है सीओओएच, सीओएच एच हटा दीजिए तो ऑक्सिलेट। अब देखिए लोन पेयर तो यहां पर भी है और लोन पेयर तो यहां पर भी है, लेकिन दान माइनस से होगा। अब दान ये भी कर रहा है और दान ये भी कर रहा है, तो दो लोगों का दान कर रहा है तो बाइडेंटेट, और कितने एटम दान कर रहा है, एक एटम ये दान कर रहा है और एक एटम ये दान कर रहा है, मोनो में एक लोन पेयर का दान होता है और एक एटम करता है, बाई में दो का दान होता है और ये दो अलग अलग एटम करते हैं, ये खास बात है। इसको हम शॉर्ट में OX भी कहते हैं, OX, या एक हमारे पास है ये देखिए CH2 NH2 CH2 NH2, ये देखिए इसका पूरा नाम है एथाइलीन डाई एमाइड, इसके लिए वो करिए सिंगल एम हो गया। इस पूरे चैप्टर में खाली अमोनिया में आप डबल एम लगाएंगे, अमोनिया में उसकी स्पेलिंग में डबल एम होगा, इसके अलावा कहीं पर अगर आपको एमाइड लिखना पड़ रहा होगा तो सिंगल एम लगाएंगे। इट इज एथाइलीन डाइएमाइड, शॉर्ट में इसका सिंबल ईएल है। सर ये बाइडेंटेट पे क्यों रखा गया है, क्योंकि ये दो लोन पेयर का दान कर रहा है एक पर, और ये दोनों लोन पेयर दान अलग अलग एटम से किया जा रहा है, इसलिए ये बाइडेंटेट पे रखा गया है। ठीक, और कोई एग्जाम्पल इसमें आ सकता है, और कोई एग्जाम्पल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, और वो है NH2CH2COOH, इसे कहते हैं अमीनो एसिड, इट इज अमीनो, इट इज एसिड, एन के ऊपर लोन पेयर है, इट इज अमीनो एसिड, एसिड से एच हटा दीजिए तो यहां पर आ जाएगा माइनस। अब ये वो केस है जहां पर माइनस और लोन पेयर दोनों होने के बावजूद दान दोनों ही जगहों से होता है, तो दो जगह से दान हो रहा है तो बाइडेंटेट, दो एटम कर रहे हैं इसलिए बाइडेंटेट, बस यहां पर एक पॉइंट मिस हुआ आपका, वो क्या, इस बार लोन पेयर और माइनस दोनों दान हो रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि अगर माइनस और लोन पेयर दोनों हैं तो दान केवल माइनस करेगा, लेकिन मैंने कहा था कि एक आध केसेस ऐसे हैं जो इस रूल को मानते नहीं है, तो 100 में से अगर दो हैं तो उन केसेस को आप अलग से याद रखिएगा। ये लिगेंड का बिहेवियर होता है, ये हमने नहीं रूल बनाया है या किसी साइंटिस्ट ने नहीं बनाया है कि यहां ये भी करेगा ये भी करेगा, ये नेचर है, जैसा करता है वैसा बताया जा रहा है, यू हैव टू मेमोराइज। तो यहां पर यह बाइडेंटेट हो गया। अच्छा सर ये बता दिया मैंने आपको मोनो, और मोनो के बता दिया बाई, चलिए बाई थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, बताएं ट्राइडेंटेट में कौन से केस आ सकते हैं, इट इज ट्राइडेंटेट। अब ट्राइडेंटेट में एक एग्जांपल बहुत अच्छा, हम यहीं से ड्राइव कर लेते हैं, देखिए वो क्या है, इसका नाम आप बोल रहे थे एथाइलीन, इसका नाम आप बोल रहे थे एथाइलीन डाइएमाइड, क्यों बोल रहे थे, ये एथाइलीन है और एक लोन पेयर यहां से और एक लोन पेयर यहां से, तो एथाइलीन डाइएमाइड। अब एक काम करिए यहां से एक एच हटा दीजिए तो एन की वैलेंसी जस्टिफाई नहीं हो पाएगी, और वैलेंसी जस्टिफाई करने के लिए यही वाला मॉलिक्यूल एक बार और लगा दीजिए, तो अब आपको ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। तो अब एक लोन पेयर यहां से, एक लोन पेयर यहां से और एक लोन पेयर यहां से, तीन लोन पेयर का दान हो रहा है ट्राइडेंटेट, और तीन एटम दान कर रहे हैं, ठीक है, तीन एटम दान करेंगे और तीन लोन पेयर, मतलब हर एक एटम एक एक बार करेगा, दैट इज ट्राइडेंटेट। शॉर्ट में इसको हम डाइईन बोलते हैं, क्यों साहब, पूरा नाम क्या है, पूरा नाम है, पूरा नाम है एथाइलीन डाई एमाइन। सर ये नाम किसका था, एथाइलीन डाई एमाइन, ओके, तो एथाइलीन क्या था, इट इज एथाइलीन, एंड ये दो बार एमीन तो एथाइलीन का डाई एमाइन, यहां पर एथाइलीन दो बार एमीन, एथाइलीन एथाइलीन, यहां पर एथाइलीन एक बार था, एथाइलीन एक बार था तो एथाइलीन एक बार लिखा, एथाइलीन दो बार है तो एथाइलीन दो बार नहीं लिखोगे, इट इज डाइथाइलीन, इट इज डाइथाइलीन, यस, यहां पर एमीन दो बार था तुमने लिखा डाइमाइन, यहां पर एमीन 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 तीन बार है तो क्या ये ट्राइएमाइन नहीं हो जाना चाहिए, यस इट इज डाइथाइलीन ट्राइएमाइन। सर ने शॉर्ट में ईएल क्यों बोलते हैं, शॉर्ट में डाइईन क्यों बोलते हैं, देखो एक ईएल क्या होता है, एक ईएल ये पूरा सिंबल होता है, इट इज एक ईएल, देखो शायद यहां पर ऐसे दो सिंबल है, तो इतना एरिया एक ईन NH2 CH2 CH2 NH एक ईन, और इतना एरिया
जिसमें ये एरिया कॉमन हो गया है, और ये पूरा एरिया देखो ये फिर से इन, तो एक इन ये और एक इन ये, तो क्या पड़ गया डाई। ओके, इसका अपना कोई चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल स्पीशीज होती है, इसके ऊपर अपना कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल स्पीशीज, चार्ज ध्यान रखिएगा, चार्ज इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहां पर अगर मैं चार्ज शो कर दूं तो इसका चार्ज यहां पर जीरो आ रहा है, वैसे यहां पर देखिए इसका चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इसका चार्ज जीरो है, जबकि यहां पर इसका चार्ज माइनस टू है और यहां पर इसका चार्ज माइनस वन है। चार्जेस की वैल्यू पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब ट्राइडेंटेट के बाद इंपॉर्टेंट है मेरे पास टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट, टेट्रा का मतलब चार से होता है, इसके चार दांत है, चार दांत है मतलब दांत ये चार बार करेगा, यहीं से ड्राई करता हूं। देखिएगा ये देखिए मेरे पास था एथाइलीन डाइएमाइन, इट इज योर एथाइलीन डाइएमाइन। अब एक झटा दो यहां से तो इसकी वैलेंसी हो गई वैलेंट। अब इसके ऊपर एक बार ऐसा ही मॉलिक्यूल और लगा दो, ये देखिए, तो आप कहेंगे सर ये फिगर तो यहां लगा गई। अब एक काम करो, इसे एक एच और हटा दो और यही वाली फिगर एक बार और लगा दो, ये देखिए। अब यहां पर दान ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा और दान ये भी करेगा, चूंकि चार लोग दान कर रहे हैं तो टेट्राडेंटेट दांत, इनको बता सकते दांत कहते हैं, ये दांत है, कौन सा दांत है, केनाइन दांत, केनाइन दांत, चार बार दांत है तो टेट्राडेंटेट, और ये चारों एटम अलग अलग होने चाहिए, ये डेफिनेशन है, एक लोन पर एक ही एटम दान करेगा। ओके, टेट्राडेंटेट नाम बोलो, फिर से रिवाइज करो, इसका नाम क्या है एथाइलीन, इसका नाम क्या है डाइएमाइन। अब यहां एथाइलीन एक बार है तो एथाइलीन एक बार लिखा, यहां देखो एथाइलीन एक बार, एथाइलीन दो बार, एथाइलीन तीन बार, तो बोलो नाम क्या पड़ गया, नाम पड़ गया ट्राई एथाइलीन। ओके, यहां पर एमीन दो बार था तो नाम रखा डाइएमाइन, डाइएमाइन, अब एमीन एक बार, एमीन एक बार, एमीन एक बार, एमीन एक बार, इट इज टेट्राएमाइन, इट इज टेट्राएमाइन। इन शॉर्ट इसको ट्राईइन भी बोलते हैं, ट्राईइन। अब क्यों इसको क्या बोलते हैं आप शॉर्ट में इन, क्यों इस पूरे को इन कहते हैं। अब ये मॉलिक्यूल यहां क्या बार देखो, ये मॉलिक्यूल CH2 और दो बार है, CH2 और दो बार है, एक बार तो ये हो गया CH2 और दो बार है, ये कॉमन हो जाएगा, इसका ये माना जाएगा इसका कॉमन, दो बार हो गया CH2 ये और ये वाला है फिर से कॉमन, ये कॉमन इसके लिए और ये कॉमन इसके लिए, एन एक बार, एन दो बार, एन तीन बार, सो इट इज नोन एज ट्राइन। और इसके बाद आता है टेट्राडेंटेट के बाद पेंटाडेंटेट। अगर मैं पेंटाडेंटेट दिखाऊं आपको तो पेंटा, पेंटाडेंटेट, पेंटाडेंटेट में कौन से लोग आते हैं वो लोग कौन कौन से हैं, देखिए पेंटा में अच्छा एग्जाम्पल करता है एथाइलीन, इट इज योर एथाइलीन, और इसको आप कहते थे डाइएमीन, इट इज योर एथाइलीन डाइएमाइन, इट इज योर एथाइलीन डाइएमाइन, इट इज योर एथाइलीन डाइएमाइन। अब क्या होगा, ये वाली फिगर यहां से अगर दान की जाए तो एक बार, और ये वाली फिगर अगर यहां से दान की जाए तो दो बार, इस समय ये बाइडेंटेट है और मैं बनाना चाहता हूं उसको पेंटा, तो मैं क्या करूंगा यहां से एक एच हटा करके यहां पर लगा दूंगा CH2COO-। अब आपके मन में आ गया होगा कि सर ये फिगर क्या है, चलिए इस फिगर को समझ लीजिए क्या है। अगर मैं इस फिगर को समझूं तो मुझे ये फिगर कुछ ऐसी दिखाई देती है, देखिए एक्चुअल में ये फिगर शुरू में एसिटिक एसिड थी, दैट इज लुक लाइक दिस, इट इज एसिटिक एसिड, इससे एच हटा देने के बाद ये सर्टिफिकेशन था, इससे एच हटा देने के बाद अब ये फिगर आपको कुछ यूं दिखाई देती है। इस कार्बन की वैलेंसी पीछे देखिए चेक करिए चार है, एक दो तीन चार, एक एच हटा दो, अब फिगर क्या दिखाई देगी आपको, अब फिगर आपको कुछ यूं दिखाई देगी ऐसे, और इसके ऊपर जो ये मैंने वैलेंसी हटाई है इसी वैलेंसी को हटाकर मैं किससे जोड़ दे रहा हूं, इसी वैलेंसी को हटाकर किसे जोड़ दे रहा हूं, एन से यहां जोड़ दे रहा हूं, व्हाट इज दिस, इट इज CH2CO-, एसिडिक एसिड, एच हटाया तो माइनस आया और उसके बाद एक एच हटा करके वैलेंसी को एन से जोड़ दिया, तो वैसे ही मैं ये वाला एच हटा कर दी, यहां पर भी CH2CO- कर सकता हूं,
इसको हटाकर यहां पर भी मैं CH2 CO- कर सकता हूं, तो नाम क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया एथाइलीन डायमाइन। स्पेलिंग पे गौर करिए, सिंगल एम है, खाली अमोनिया में डबल एम होता है। एथाइलीन डायमाइन, एक एसिटेट, दो एसिटेट, तीन एसिटेट, एथाइलीन डायमाइन ट्राई एसिटेट, एथाइलीन डायमाइन ट्राई एसिटेट, इन शॉर्ट इट इज नोन एज EDTA, इन शॉर्ट इट इज नोन एज EDTA, एथाइलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, एथाइलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट। लेकिन चार्ज पे गौर करिए, इसका चार्ज क्या है, इसका चार्ज माइनस तीन है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इट इज नोन एज EDTA माइनस थ्री, इसको कहते हैं EDTA विथ माइनस थ्री। ये था आपका पेंटाडेंटेट। अगर मैं आपसे यहीं पर कहूं कि बताओ चार हेक्साडेंटेट कैसा होगा, तो आप कहेंगे हेक्सा की फिगर देखिए, हेक्सा, फिर से बना लो एथाइलीन, फिर से बना लो डायमाइन, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, और अब इसके ऊपर एसिटेट एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, एथाइलीन डायमाइन टेट्राएसिटेट, ये भी दान करेगा, 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 छह लोग दान कर रहे हैं और हर दान अलग अलग एटम से हो रहा है, इसे कहते हैं हेक्साडेंटेट। इन शॉर्ट इसको भी बोलते हैं EDTA, एथाइलीन डायमाइन टेट्रा, इट इज ट्राई एंड इट इज टेट्रा। अब हो सकता है आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए, अगर EDTA लिख के आया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि साहब ये EDTA कौन सा है, अगर ऐसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो यहां माइनस फोर लगा होगा, इट इज EDTA माइनस थ्री, इट इज EDTA माइनस फोर। लेकिन यदि अगर किसी केस में आपको कोई पहचान ना मिल रही हो और आपको लग रहा हो कि दो में से हमें एक मानना मेरी मजबूरी है, तो उस केस में आप इस EDTA को मानिएगा। एक्चुअल में EDTA का नाम इसके लिए फेमस है, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये EDTA माइनस थ्री है, ये EDTA माइनस फोर है। अगर कहीं क्लियर कट मेंशन नहीं हो रहा है और आपको दो में से कोई गेस करना है तो ये कर लीजिएगा। तो ये बता दिया मैंने आपको, एक आध केस में और कंफ्यूजन होता है बता दिया मैंने, एक आध केस और देख ले। कार्बोनेट को और सल्फेट को लेकर ये भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये सब किस कैटेगरी में है, देखे जरा। अब आप गेस करें एज अ प्रैक्टिस, बताए कार्बोनेट कितने डेंटेट है, कुछ किताबों में इसको मोनो लिखा हुआ है, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, ये किस डेंटेट में आते हैं। अब डायग्राम खोल लो, कार्बन कार्बोनेट डायग्राम खोलोगे तो आपको कार्बोनेट यू दिखाई देगा, देखो एक दान यहां से होगा और एक दान यहां से होगा, इसका मतलब ये बाइडेंटेट की कैटेगरी में आएगा, बाइडेंटेट। लोन पेयर इसके पास नहीं होगा लेकिन दान नहीं करेगा, रूल बताया मैंने 99 में लगेगा, माइनस और लोन पेयर दोनों दान माइनस करेगा, लोन पेयर नहीं करेगा, बता चुका हूं मैं आपको। सल्फेट, सल्फेट डायग्राम कुछ ऐसा होता है, लोन पेयर यहां पर भी है लेकिन यहां दान नहीं होगा, लोन पेयर यहां पर भी है दान नहीं होगा, दान खाली यहां और यहां से होगा, इसलिए ये वाली फिगर भी बाइडेंटेट में ही आने वाली है। ओ पर माइनस टू है, इससे क्या फर्क पड़ता है, एटम तो एक ही है, अगर एक एटम है तो चार चार्ज जितना हो, माइनस दो, माइनस चार, माइनस छह, इससे मतलब नहीं है, एक एटम एक ही दान करता है, इसलिए ये भी किसमें आएगा, ये मोनोडेंटेट में आएगा। OH का मतलब एटम दो है लेकिन दान केवल ये एटम करेगा और एक बार करेगा, मोनो है, एटम एक है भले माइनस दो हो, इससे क्या फर्क पड़ता है, एक एटम एक ही दान करता है, माइनस दो हो, माइनस तीन हो, माइनस चार हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, एक एटम एक ही दान करता है, इसलिए हम उसको भी मोनोडेंटेट कहेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन बता दिया मैंने आपको लिगेंड का। लिगेंड को उनके बिहेवियर के बिहाफ पर एक आध और क्लासिफिकेशन में बांटा गया है, जरा देखो, वन मोर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ अटैचमेंट। टाइप ऑफ अटैचमेंट का मतलब आपने सुना होगा, एक कंपाउंड होता है CH3NO2 और एक कंपाउंड होता है CH3ONO,
मोटा मोटा देखिए ये भी NO2 है और ये भी NO2 है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके दोनों के नाम देखें तो इसका नाम मिलेगा आपको नाइट्रोमेथेन, तो इसका नाम आपको वहां मिलेगा नाइट्रोमेथेन और इसका नाम आपको मिलेगा मेथिल नाइट्राइट। अब ये सब क्या फर्क है, इन दोनों के मोटे मोटे डायग्राम सेम दिख रहे हैं फिर भी नाम में फर्क है, उसकी वजह है इनके लिंकेज में फर्क होता है। कैसे? एक्चुअल में इस CH3 के साथ जो लिंकेज है वो N के थ्रू है, इट इज द डायग्राम ऑफ नाइट्रो। और यहां पर जो CH3 के साथ लिंकेज है वो O के थ्रू है, तो किस बात का फर्क है? फर्क इस बात का है कि इस NO2 और इस NO2 में लिंक कौन कर रहा है, यहां पर लिंकेज वाया N है और यहां पर लिंकेज वाया O है, ये इन दोनों में फर्क है। इसका मतलब कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से निकल करके इस चैप्टर में आता हूं तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, एक वैकेंट डी मेटल होगा, एक वैकेंट डी ब्लॉक मेटल होगा, जस्ट सपोज आयरन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन एन दे रहा है और यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन अपना ओ दे रहा है, इस बिहाव पर इसके नामों में बदलाव आ जाता है, इसको हम नाइट्रो बोलते हैं और इसको हम इस चैप्टर में नाइट्राइटो बोलते हैं। यदि आप दो नाम याद ना कर पाए तो एक ऑप्शन और है आपके पास, आप दोनों को नाइट्राइटो भी बोल सकते हैं, लेकिन जब दोनों को नाइट्राइटो बोल देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा है ये, तो एक्सप्लेन करने के लिए नाइट्राइटो वाया N और यहां पर नाइट्राइटो वाया O, इसको नाइट्राइटो O, इसको नाइट्राइटो N, या दोनों अलग अलग नाइट्रो और नाइट्राइटो मान्य है। ऐसे लीगेंट जो मोनो डेंटेट तो हो, देखिए इट इज मोनो डेंटेट, पूरे सिस्टम में एक ही एटम एक ही दान कर रहा है, ये मोनो तो है लेकिन इनके अंदर दान करने की चॉइस है। एक ही घर में दान कोई एक आदमी करेगा लेकिन कभी पापा करते हैं और कभी मम्मी करती हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम इस परिवार को एम्फीबियस फैमिली कहते हैं, एम्बी-डेंटेट लीगेंड कहते हैं। आपने एम्बी-डेंटेट समझ में आ गया होगा, ये एम्फीबियन से लिया गया है, जो जल और थल दोनों में रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो ये ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं, कभी दान एन से कभी दान ओ से, ऐसे लोगों को हम एम्बी-डेंटेट लीगेंड में डालते हैं। ऐसा ही एक के साथ और मिल सकता है, देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड एन पर लोन पेयर यहां पर है, तो यहां पर अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है तो यहां पर दान उसको सी कर रहा है, लेकिन अगर आपने इसको एनसी ऐसे लिख दिया है ये देखिए, और अब माइनस यहां लगा है तो अब इसको दान कौन कर रहा होगा, अब इसको दान एन कर रहा है। अब आप इसे बोलेंगे ये साइनाइड है और इस चैप्टर में ये आइसोसाइनाइड है, सीएल से लिंकेज है साइनाइड, आइसो लिंकेज है आइसोसाइनाइड, परिवार एक ही है, देखिए परिवार तो एक ही है और वो मोनो भी है, एक परिवार का एक एटम एक लोन पर दान करता है, एक परिवार का एक एटम एक लोन पर दान करता है तो वो मोनो है, लेकिन कभी पापा करते हैं कभी मम्मी करती है तो वो फैमिली एम्बी-डेंटेट है। क्या सीएल एम्बी-डेंटेट है? नहीं, एक ही एटम में दान नहीं करेगा, ये एम्बी नहीं है, इसके परिवार में तो मम्मी पापा है ही नहीं, अकेला रहता है, लेकिन इसके परिवार में मम्मी पापा है, ये मम्मी है ये पापा है, कि दान एक ही एटम करता है तो ये मोनो है लेकिन एम्फीबियन नहीं है, ये एम्बी नहीं है। या मैं आपसे कहूं पानी में तो तीन एटम है, दो एच की और एक ओ, मम्मी भी है पापा भी है और एक उसका बच्चा भी है, तीन लोग हैं, लेकिन दान करने की इजाजत केवल किसको है? एक ही को है। जब दान एक ही करे परिवार में कई लोगों के होने के बाद भी तो हम उसे एम्फीबियंस नहीं कहते, लेकिन जब दान अलग अलग लोग करें एक ही परिवार में तो उसे एम्फीबियंस कहते हैं। या इसी में कैटेगरी और आ सकती है और वो है SCN। यहां पर दान ये CS करता है किसी डी ब्लॉक एलिमेंट को और इसको हम बोलते हैं थियो, इसको हम बोलते हैं साइनाइड, तो नाम हो जाता है थियो साइनेट, नॉट साइनाइड, थियो साइनेट। और यहां पर हम इसे कह सकते हैं N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। अब दान यहां पर N कर रहा है, अब इसका नाम हो जाएगा आइसो थियो साइनेट। जब CN लिखते हैं तो साइनाइड और पलट देते हैं तो आइसो, जैसे यहां पर पलटने पर आइसो लगाया है वैसे यहां पर भी CN को पलट दिया गया है NC, तो मैंने आइसो लगाया है। अब हम चाहे तो दोनों को थियो साइनेट ही कह सकते हैं, इसको भी थियो साइनेट बोले
और इसको भी थियो बोले, वन मोर ऑप्शन, इसको भी आप थियो साइनेट बोल सकते हैं, लेकिन दोनों को थियो बोलोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये थियो साइनेट एस हो सकता है और ये थियो साइनेट वाया एन, ये थियो साइनेट एन हो सकता है। ये छह लोग एम्फीबियस की फैमिली के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। अब और पढ़ा एक क्लासिफिकेशन मेरे पास और है, वो क्लासिफिकेशन मेरे पास ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज है। लिगेंड्स चार्ज के बिहाफ पर तीन भागों में डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। निगेटिव में आने वाले हैं सीएल, बी आर, आई, सीएन, एस सी एन, एक लंबी चौड़ी लाइन है। न्यूट्रल में आने वाले लोग हैं पानी, सीओ, सी और ओ, बराबर से लिखेगा ऐसे मत लिख दीजिएगा, इसका मतलब कोबाल्ट है, इसका मतलब है कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कंफ्यूज ना करिएगा। सीओ ये हो गया एनओ, इट इज अमोनिया, ईएन, डाइईन, ट्राईईन, पीडब्ल्यूडीन, फास्टीन और ट्राई फिनाइल फास्टीन, ये मेरे कुछ अच्छे एग्जाम्पल है जो न्यूट्रल में आते हैं। खास बात पानी का नाम ध्यान रखिएगा, पानी का नाम एक्वा है, ए क्यू यू ए, इसको हम कार्बोनिल बोलते हैं, इट इज कार्बोनिल। एनओ को हम नाइट्रोसिल बोलते हैं, इट इज नाइट्रोसिल। अमोनिया की स्पेलिंग पर गौर करिएगा, इसकी स्पेलिंग एमाइन है, बार बार बोल रहा हूं स्पेलिंग गलत ना करिएगा। लेकिन अभी खास बात पॉजिटिव लिगेंड वैसे तो मेरे पास ना के बराबर है, क्योंकि लिगेंड वो होता है जो दान करता है, और केमिस्ट्री में प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉनों का भिखारी। अब कोई भिखारी किसी को दान थोड़े नहीं देता है, चलो मान लेते हैं ब्रह्मांड में एकाधिकारी ऐसा होगा जो किसी दूसरे भिखारी को दान करता होगा, तो ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं हमारे पास, तो वो मेरे पास एक ही केस है एनओ प्लस। अब एनओ न्यूट्रल भी होता है, एनओ प्लस भी होता है। एनओ प्लस तब होता है जब वो एफई के साथ हो, अगर किसी क्वेश्चन में एनओ विद एफई दिखाई देगा तो आप उस एनओ को प्लस मानेंगे, अगर वो एनओ बिना एफई के किसी भी के साथ हो तो सिंपल एनओ होगा। एनओ प्लस आते ही इसका नाम नाइट्रोसोनियम हो जाता है, इट इज नाइट्रोसिल, इट इज नाइट्रोसोनियम। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब एक और एग्जाम्पल मेरे पास, एक और मेरे पास जिसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन फ्लेक्सिडेंटेट, फ्लेक्सिडेंटेट। अब सर ये फ्लेक्सिडेंटेट क्या होता है, दान करने की संभावनाएं भी कभी कभी अलग अलग होती है। हम मेरे पास दस रुपए है, मैं दस रुपए किसी को दान करता हूं, अब अगर दस है तो मैं दस से कम तो भी दान कर सकता हूं, नौ रुपए, आठ रुपए, छह रुपए, चार रुपए, ठीक है। अगर मेरे पास एक ही रुपया है तो मैं एक से ज्यादा दान कर नहीं सकता, और आज की डेट में समाज में एक रुपए से कम कुछ कोई वैल्यू नहीं है कि मैं 50 रुपए दान करूं, उसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब मेरे पास अगर एक रुपया है तो मैं मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास दो तीन चार रुपए हैं तो मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब जो मोनोडेंटेड होते हैं, जो मोनोडेंटेड होते हैं वो फ्लेक्सिडेंटेट नहीं होते हैं, लेकिन जो बाइडेंटेट हैं, जो ट्राइडेंटेट है, जो टेट्राडेंटेट है, जो पेंटाडेंटेट है, जो हेक्साडेंटेट है, आप समझिए ये दो दान कर सकता है, तो जरूरत पड़ने पर एक दान भी कर सकता है। इसके अंदर छह दान करने की संभावनाएं हैं, ये छह लोन पेयर दान कर सकता है, लेकिन अगर कोई पांच मांगेगा तो पांच देगा, चार मांगेगा, तीन मांगेगा, दो मांगेगा, तो ऐसे दान तो भी संभव है। इनको हम कहते हैं फ्लेक्सिडेंटेट। इन द लास्ट एक टर्म और होता है इसके अंदर, वो है चिलेटिंग लिगेंड, नॉट चिलेटिंग, इट इज किलेटिंग। साहब ये किलेटिंग लिगेंड क्या होता है, किलेटिंग लिगेंड्स। साहब ये किलेटिंग का मतलब होता है, अभी से अक्सर लोग चिलेटिंग पढ़ते हैं, चिलेटिंग में पढ़िएगा, देखिए क्या इसको आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, व्हाट इज दिस, इट इज केमिस्ट्री, नहीं नहीं इट इज केमिस्ट्री, इफ इट इज केमिस्ट्री देन इट इज
कीलेटिंग, इट इज केमिस्ट्री, इट इज कीलेटिंग। ओके, कीलेटिंग एक्चुअल में ग्रीक भाषा का वर्ड है और इस ग्रीक भाषा को जब मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूं तो मुझे इसका मतलब मिलता है साइकिल, साइकिल। अगर कोई लीगेंड अपना काम करते समय, मतलब दान करते समय, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने की कोशिश करे तो आप उसे कीलेटिंग लीगेंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताएं, सोच करके, क्या आपको एफई को दान करना है और इसे दान कर रहा है सीएल, तो क्या यहां पर यह सीएल इसके साथ कोई साइकिल बना रहा है? नहीं, इसलिए कीलेटिंग नहीं है। अगर इस एफई को पानी अपना लोअर पेयर दान करे तो क्या यहां साइकिल बना रहा है? नहीं। इसका मतलब जितने भी मोनोडेंटेट लीगेंड है वो कभी साइकिल बना ही नहीं सकते, ये कीलेटिंग नहीं है। लेकिन अगर इस एफई के साथ एथिलीन डाइएमाइन ले लिया जाए, इट्स समथिंग लाइक दिस, इट इज एथिलीन डाइएमाइन, एक लोन पर यहां से दान होगा और एक लोन पर यहां दान होगा, आ गया साइकिल? यस, इट इज साइकिल। ये बाइडेंटेड भी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनेशन, ये न्यूट्रल लीगेंड भी है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, और ये कीलेटिंग भी है क्योंकि ये साइकिल बनाता है। इसी तरह तो कीलेटिंग ये भी हो सकता है, व्हाट इज दिस, इट इज ऑक्सिलेट, अगर ये दान करेगा तो इसको और ये इसको करेगा तब भी साइकिल बना रहा है, ये भी कीलेटिंग हो गया। और सबसे अच्छा कीलेटिंग कौन होगा आपके लिए? सबसे अच्छा कीलेटिंग एग्जाम्पल है मेरे लिए जब मैं एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट लिखता हूं, देखिए इट इज एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट, इट इज डाई एथिलीन, सॉरी इट इज एथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसिटेट, यहां पर अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट बैठा है तो ये इसको दान इस तरीके से कर रहा होगा, और यदि ऐसे दान करेगा तो यहां पर बहुत सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अगर कोई लीगेंड दान करते समय साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है तो हम उसे कीलेटिंग लीगेंड कहते हैं, नॉट चीलेटिंग। तो ये बता दिया मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, मैंने बता दिया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक अमीर आदमी है और एक भिखारी है, भिखारी मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल रखने वाला जो इलेक्ट्रॉन लेता है, अमीर जो इलेक्ट्रॉन देता है जिसको हम लोग इंडियन भाषा में डोनर कहते हैं, ग्रीक भाषा में उसको लीगेंड कहते हैं। लीगेंड का हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसमें मोनो बाई ट्राई टेट्रा पढ़ा, फ्लेक्सिडेंटेट पढ़ा, एम्बिडेंटेट पढ़ा, और फिर लास्ट में साइक्लिक का, साइक्लिक फॉर्मेशन के कीलेटिंग पढ़े। नाउ क्लासिफिकेशन इज कंप्लीट, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आईयूपीएसी, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त बताऊंगा, आपको अच्छी समझ में आएगी, और लेक्चर देखने के बाद आप जेई का या मेडिकल का कोई भी क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और कभी कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप उसको मेरे चैनल पर डाल सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर एज सून एज पॉसिबल मैं आपको दे दूंगा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।